जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2020 का आगाज़ काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ है, जहां पर इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीज़न में चेन्नई सुपर किंग्स ने मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से मात देकर अपने अभियान का शानदार आगाज़ किया। तो वहीं दूसरा मैच भी हमें काफ़ी शानदार देखने को मिला, लेकिन सीएसके की जीत को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ हैं और उसके एक बेहतरीन खिलाड़ी अंबाती रायडू को लेकर हर तरफ बातें ही सुनने और देखने को मिल रही हैं। जी हाँ दोस्तों, अंबाती रायडू ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई। अंबाती रायडू ने यह भी बताया अपनी सफलता का राज कि किस प्रकार से उन्होंने टीम चेन्नई के साथ जुड़ने के बाद अपने आप को और निखारा है। जी हाँ दोस्तों, रायडू ने 48 गेंदों पर 71 रनों की पारी खेली और आईपीएल 2020 के पहले हाफ सेंचुरी भी इन्होंने लगाई। फाफ डुप्लेसी के साथ तीसरे विकेट के लिए 115 रन जोड़े। यह पार्टनरशिप तब हुई जब टीम ने अपने 2 विकेट महज 6 रनों पर ही खो दिए थे। तब इन दोनों ने आके टीम को अच्छे तरीके से संभाला और रायडू को अपनी पारी के लिए मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। रायडू ने बताया कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के लिए लॉकडाउन एक ब्रेक जैसा था। रायडू ने यह भी कहा कि हम ट्रेनिंग कर रहे थे और ये रुक कर दोबारा शुरू करने जैसा था। लीग के स्थगित होने से पहले भी हम काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे थे। रायडू ने यह भी कहा कि पिच नई गेंद से कुछ हरकतों कर रही थी, लेकिन एक बार ओस आई तो बल्लेबाजी आसान हो गई। हम सिर्फ वहाँ टिके रहना चाहते थे। हमने चेन्नई में प्रैक्टिस की और इससे हमें काफ़ी मदद मिली और इसके बाद दुबई में भी हमने काफ़ी प्रैक्टिस की, यानी कि लगातार ब्रेक जब इनको मिला लॉकडाउन के अंदर तो उसके दौरान भी इन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस के साथ ही साथ इन्होंने काफ़ी मेहनत मशक्कत भी की जिससे टीम को काफ़ी बेहतरीन मजबूती दे सके। कुछ ऐसा ही मिला जब सीएसके के सामने 163 रनों का लक्ष्य और सामने नाम था जसप्रीत बुमराह, तेज गेंदबाज, उसका काफ़ी कठिन तरीके से सामना ना करते बड़ी ही आसानी तरीके से हाफ सेंचुरी जड़ी, साथ ही साथ टीम को जीत की ओर भी ले गए। भले से ही नाबाद ना रहे, लेकिन टीम को जीत दर्ज कराने में इनकी अहम भूमिका रही। तो यानी कि किस प्रकार से इनकी मेहनत मशक्कत हर वक्त अपने आप और अपने आप के गेम को निखारने के लिए सोचते हैं, जिसकी मदद इनकी टीम को मिलती है और टीम काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करती है इन जैसे खिलाड़ियों की वजह से। तो अंबाती रायडू क्या इस साल ऑरेंज केप जीतने के दावेदार हो सकते हैं? कॉमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। नेशनल स्पोर्ट्स से दीपक की रिपोर्ट।